हेलो, सलाम अलैकुम जनाब। इस वक्त मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ और धूप आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप तकरीबन 10:30 बजे और 11 बजे के दरमियान में आती है और उसके बाद सारे दिन यानी सूरज ग़ुरूब होने तक धूप रहती है माशाल्लाह। तो अभी तो 9:30 का टाइम है, अभी तकरीबन आधा एक घंटा बाकी है धूप आने में। तो मैंने सोचा चलो यार, बालकनी में बैठ कर के आपको कम से कम अपना छोटा सा गार्डन दिखा दूं। ये देखिए माशाल्लाह, और सामने भी दिखाता हूं। ये देखें सामने, ये मेन गेट है और ये बराबर में ये जो कार जो हमारे अपार्टमेंट में खड़ी है, सब पार्क हैं, इसके जस्ट बराबर ये जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है इसके इस तरफ यानी राइट साइड में, ये वुमेंस होम साइंस डिपार्टमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये पूरा काफ़ी बड़ा है, उसका फ्रंट गेट उस तरफ है। एक तो वो ब्लैक नज़र आ रहा है ये जो, ये और एक और है दूसरी साइड में। तो बहरहाल ये होम साइंस डिपार्टमेंट है और ये मेरा जस्ट फ्रंट है। अगर आप मेरे इस अपार्टमेंट के गेट पर खड़े होंगे तो मेरी बालकनी आपको नज़र आएगी। तो बहरहाल ये फ़िलहाल ये देखें, ये गार्डन है, ये मेरी बेटी ने क्रिएट किया है माशाल्लाह, उनको शौक़ है इस तरह से। तो सुबह सुबह चाय का अलग ही मज़ा है। देखिए नाश्ता तो सही मायनों में डाइनिंग टेबल पर ही बैठकर होता है, जिसमें परांठे वगैरह और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं, वो सब तो पूरे महीने चलता ही रहा। वैसे भी मैं बहुत कम रुका अलीगढ़ इस पूरी छुट्टी में, दिल्ली वगैरह के राउंड हुए, छोटे भाई की शादी थी, फिर बुलंद शहर में भतीजियों की शादी थी, तो काफ़ी मसरूफ़ रहा मैं। लेकिन जितना भी रहा हूँ उसमें यहीं बैठकर मैंने चाय का मज़ा लिया है, गरम गरम धूप में, नरम नरम धूप में। दिसंबर का महीना है इस वक्त, 18 दिसंबर 2021 है और ठीक 24 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है सऊदी अरब के लिए वाया कतर। तो मैंने कहा चलिए साहब, आज 18 है, आज भले ही इस वक्त, क्योंकि मुझे अभी कहीं काम से निकलना है, एक दो काम अभी भी बैलेंस हैं, बाकी पड़े हैं तो वो निपटाने हैं। तो मैंने कहा धूप का मैं क्या इंतज़ार करूं, फ़िलहाल चाय का मज़ा लेते हुए अपना यहीं पर आप लोगों से गुफ्तगू कर लूं, बात कर लूं। तो इसलिए मैं इस वक्त बैठ गया हूँ 9:30 बजे चाय पीने के लिए बालकनी में अपनी। ये देखें, छुट्टी का तो हर आदमी, वो जो सऊदी अरब में रहता है या दुबई में या कहीं भी, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में, जब वो अपने मुल्क आता है तो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आता है और वक्त का पता ही नहीं चलता। इसी तरह से इस बार तो मैं काफ़ी, हालांकि मैंने अपडेट रखा FB पर, सबको पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बहरहाल बहुत अच्छी छुट्टी गुजरी माशाल्लाह से। चलिए साहब इजाज़त, बस मेरे ख़्याल से 18-20 घंटे बाकी हैं फ़्लाइट में। चलिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। और सऊदी वाले जो दोस्त हैं सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, और इंशाल्लाह 30-35 घंटे बाद अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी ऑफिस में। लव यू ऑल। अलीगढ़ से मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे लेकिन उनको नहीं पता कि मैं किस जगह से बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं बताना मुनासिब समझता हूँ कि मैं अपनी जो भी क्लिप बनाता हूँ उसमें क्लियर कर देता हूँ कि मैं किस रोड पर हूँ, कहाँ हूँ, ताकि एक क्यूरियोसिटी बाकी ना रहे कि ये भाई ये क्या है, क्या चीज़ है, कहाँ जा रहे हैं। तो मेरा हमेशा फ़िल्म जब मैं बनाता हूँ तो हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फ़िल्म बनाने का मकसद क्या होता है, आप जब आप पब्लिक के सामने आ रहे हैं, बहुत से लोग बनाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते और आदमी सोचता रहता है यार ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो आप जब अपने आप को दिखा रहे हैं पब्लिक को तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप बताएँ कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ बैठे हैं। तो मेरी आपको
आपको हर क्लिप में आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ से आ रहा हूँ, पूरी डिटेल में बता देता हूँ। और इसी तरह से अब इस वक्त मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने फ्लैट में हूँ, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। और मैं, जैसा कि मैंने बताया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ शहर में हूँ, सिविल लाइन में मेरा ये फ्लैट है। अखलाक अपार्टमेंट के नाम से। ओके साहब, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए, खुश रहिए, खाते पीते रहिए। लव यू ऑल। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, लव यू ऑल। ये देखें, एक बार फिर से व्यू में दिखा देता हूँ।